वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आप सभी को बहुत पृथ्वीनाथ विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है, वहाँ पे सब लोग आते हैं, तो यहाँ पे भी आते हैं झाली धाम में। तो आप सभी को आज झाली धाम का वीडियो दिखाने वाला हूँ। आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाला है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो चलो आपको दिखाते हैं। और आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलो चलते हैं अभी गेट के अंदर और आप सभी को दिखाते हैं। सो हे गाइस, अभी झाली धाम के हम फर्स्ट गेट पर हैं और यहीं से चलो एंट्री करते हैं। तो चलो चलते हैं और आप सभी को झाली धाम दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि बहुत फेमस जगह है। गोंडा ज़िला में सबसे ज़्यादा फेमस जगह झाली धाम और पृथ्वीनाथ है। तो चलो चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। सो हे गाइस, अभी हम मंदिर पे पहुंच गए और यहीं से झाली धाम का दूसरा गेट है और यहीं से एंट्री करते हैं। चलो आप सभी को पूरा मंदिर दिखाते हैं। अभी देख सकते हो झाली धाम का व्यू, बहुत ज़्यादा बहुत फेमस जगह है जो करीब खड़गोपुर मार्केट से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप सब लोग भी यहाँ पे घूमने और पास में बनाया गया है शंकर जी की महिमा, बहुत प्यारी सी है, बहुत प्यारी महिमा बनाई गई है शंकर जी की। चलो इधर से चलते हैं, पीछे का व्यू दिखाते हैं। और यहाँ पे एक खूबसूरत प्यारा सा सेल्फी का वो बनाया गया है, यहाँ पे लोग आते हैं सेल्फी लेते हैं। और यहाँ पे बैठने का भी व्यवस्था बनाए गए हैं, जो इसे बोलते हैं अशोक का वृक्ष। बहुत ठंडी और बहुत मज़ा आता है खाली समय में, हम भी आते हैं घूमने के लिए। देख सकते हो पीछे का कुछ भी है, आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत ज़्यादा बड़ा आश्रम है, बहुत फेमस जगह भी है खड़गोपुर में। सो देख गाइस, जो इधर अभी मंदिर बनने वाला है, जो माना जाता है, बहुत लोग बोलते हैं यहाँ पे शिव भगवान का भव्य मंदिर बनने वाला है। तो चलो आपको इधर दिखाते हैं। तो माना जाता है बहुत भव्य मंदिर बनने वाला है शिवलिंग, शंकर भगवान की बहुत भव्य मंदिर बनने वाली है, जो कि बहुत अनोखा और बहुत प्यारा होने वाला है। तो चलो आप सभी को दिखाते हैं इसके ऊपर से, और इसके ऊपर चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं, बहुत अनोखा बहुत प्यारा बनने वाला है, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखने के लिए मिलेगा झाली धाम के अंदर। और सो हे गाइस, जैसे कि देख सकते हो जहाँ पे मंदिर बनने वाला है, जो बाहर से ऐसा नज़ारा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ से झाली धाम का कुछ ऐसा व्यू आता है बाहर से, जो बहुत प्यारा लगता है। तो मंदिर में अभी काम चालू है, बहुत जल्द बन जाएगा तो और बहुत अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगे। तो चलो इसके ऊपर से आपको बहुत प्यारा बहुत अनोखा चीज़ दिखाते हैं। इसके ऊपर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसके ऊपर से मंदिर का पूरा व्यू दिखाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बहुत मज़ा आएगा। चलो अभी चलते हैं। इसके ऊपर पहुंच गए, सोएगा जैसे कि देख सकते हो यहाँ से पूरा झाली धाम का बहुत अच्छा व्यू आता है। तो मैं सोचा क्यों ना आपको कुछ अनोखे और कुछ प्यारे से जगह दिखाया जाए कि झाली धाम का पूरा व्यू आ जाए। तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है झाली धाम का, और आपको दिखाने के लिए इधर ले आया। तो चलो आपको दिखाते हैं झाली धाम का पूरा व्यू।
ये हमारे पीछे झालीराम का मंदिर है जो कि हम बहुत ऊँचे और वहीं से हम बनाने आ गए। हम कहें चलो इसके ऊपर से आपको पूरा व्यू दिखाया जाए झालीराम का, तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, आप सब लोग देख सकते हो, और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है मुझे भी और आपको भी बहुत मज़ा आएगा। कैसा है प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और यहाँ पर बहुत दूर दूर के लोग देखने आते हैं और बहुत दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। बहुत फेमस जगह है झालीराम, देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे आने के बाद, बहुत शांति फील होता है। बहुत तो यहाँ से पूरा झालीराम देख सकते हो, बहुत अच्छा आ रहा है।